अब वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में भेलपुर क्षेत्र में थाना क्षेत्र के अशफाक नगर में बड़ी घटना घटित हुई है। साड़ी फिनिशिंग कमरे में अचानक आग लगने से पिता पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान बिजली के तारों में आग पकड़ने से घटना हुई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक चार लोग जिंदा जल चुके थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में संवेदना जताई है। साथ ही प्रशासन ने आपदा निधि से 4-4 लाख रुपए परियोजना को आर्थिक राहत देने की घोषणा की है। ये यहाँ वाराणसी में मदनपुरा के एक व्यक्ति थे जो अशफाक नगर में अपनी साड़ी की फिनिशिंग का काम करते थे। उन्हीं के कमरे में जहाँ वो साड़ी फिनिश और पैक करते थे, उनके कमरे में सुबह लगभग 12:15 बजे के आसपास आग लग गई। और आग लगने से उनका बेटा, वो खुद और दो लेबर जो बिहार के थे, वो चारों उसमें घिर गए। वो खाना बना रहे थे वहाँ पर, जो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग के यूटेंसिल बरामद हुए हैं उससे संभवतः जो फायर ने अभी तक जाँच की है उसमें खाना बनाने की वजह से वहाँ बिजली के तारों ने आग पकड़ ली। और आग पकड़ने की वजह से, क्योंकि साड़ियों का काम था, अंदर ही सिंथेटिक फोम और बाकी भी अन्य सामग्री सिंथेटिक रखी हुई थी, तुरंत ही वो 12 फुट बाई 10 फुट के कमरे में वो आग घिर गई और चारों लोग संभवतः उसी में फंस गए। उसके फंसने की वजह से उनकी तत्कालीन मृत्यु हुई गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, किस प्रकार से इस तरीके का हादसा हुआ, क्या लापरवाही हुई थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मदनपुरा अंतर्गत आता है, अहमद नगर कॉलोनी आती है, वहां पे दर्दनाक घटना घटी है। अगर मैं आपको बता दूं तो 11:30 से 12:15 के बीच में यह घटना वो घटी है। अगर बताया जाए तो पड़ोसियों से भी पता चला, जिस तरह से डीएम साहब ने बयान भी दिया है कि यह घटना जो नीचे जो बिजली का तार लगा था, बिजली के तार के नीचे यह खाना बनाने को लेकर घटना हुई। लगातार प्रशासन भी, जिला प्रशासन, जो विद्युत विभाग का प्रशासन है, वो हिदायत देता है कि आप किसी भी पोल के यहाँ या कोई तार है तो वहाँ पे खाना या आग जनी कोई कार्य न करें। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने के कारण यही हुआ है इस बार। तो मदनपुरा में जिस तरह से अफवाह अमल में घटना घटी है, चार लोगों के मरने की सूचना मरने की सूचना भी है और मर भी चुके हैं। जिस तरह से वहां पे लगातार 1.5 घंटे मशक्कत के बाद, मैं आपको बता दूं कि अग्निशमन यंत्र के पुलिस कर्मियों ने आग पे काबू पाया है, तो वहां के जो निवासी थे वो भी पुलिस जो अग्निशमन यंत्र जो होता है और जो वहां के पुलिस प्रशासन है उसका साथ देते हुए आग बुझाने में भी मदद की है। तो लगातार इससे जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उन्होंने इस पे दुख दुख व्यक्त किया है और जो मरे हैं उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। अगर बात किया तो कल प्रधानमंत्री है और यहाँ पे वाराणसी में और उप मुख्यमंत्री आनंद पटेल मेन है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो जो उप मुख्यमंत्री है वेंकैया नायडू, उनके आने से पहले इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होना एक संयोग माना जाता है। तो इस तरह से लगातार और जो घटना घटी है, जो चार लोग मरे हैं उनको मैं आपको बता दूं कि जो बिहार के रहने वाले हैं, जो मदनपुरा के रहने वाले हैं, ऐसे में और भी वहां के जो लोग हैं अभी भी वहां पे जो छानबीन चल रही है, जो कमरे को अभी भी लोग वहां पे लगे हैं, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं कमरे को ठंडा करने में लगे हैं। तो अभी देखना है कि आगे चलकर क्या होता है। जिस तरह से डीएम साहब ने आदेश भी दिया है कि पोस्टमार्टम होने के बाद और भी क्लियर हो जाएगा। जी 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 दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।